हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेस रोवर को कनेक्ट कैसे करेंगे और ईजीएम फाइल आप लगाएंगे कैसे, तो मैंने बेस रोवर सेटअप पूरा कंप्लीट आपको बताया था। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें अपना गूगल मैप, गूगल सेटेलाइट कैसे आप ओपन करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने बेस और रोवर को सेट कर लिया ऑलरेडी। अगर आपका कंट्रोलर है तो कंट्रोलर को आप अपने किसी मोबाइल से वाईफाई दे दीजिए। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करिए। यहाँ पे आपको आना है सर्वे में। सर्वे में यहाँ पे आपको डिटेल सर्वे, यहाँ पे आपको इस वाले 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाद आप कन्फिगर में आइए। कन्फिगर में आपको एकदम नीचे आना है। यहाँ पर रहता है ऑनलाइन मैप। ऑनलाइन मैप पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप गूगल मैप पर क्लिक करिए। यहाँ पे थोड़ा जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपको सही चीज़ें दिखने लगेंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे ऑनलाइन मैप, गूगल मैप खोलेंगे। गूगल सैटेलाइट भी आप ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन इसमें ओपन करना, जैसे गूगल हाइब्रिड, उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन मैप खोल पाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको इसको बंद करना है तो यहाँ पे आप नन कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें रहती है आपका, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टू लास्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जैसे आपने लास्ट पॉइंट कब मेजर किया वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा डिटेल सर्वे में। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ जैसे अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेजर किया है, जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वो बताएगा यहाँ पे डिस्टेंस में कि लास्ट टाइम हमने जो कोऑर्डिनेट या पॉइंट पिकअप किया है कितनी दूरी पे किया है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट पॉइंट लिया है, ये 3.4 समथिंग लिया है। अगर यहाँ पे आपको पॉइंट डाटा देखना है, यहाँ पे आपको इस वाले टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्थिंग, ईस्टिंग, जेड, BLH, स्टेटस सब कुछ देख सकते हैं। ग्राउंड का कोड मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है, कहीं पर आप सर्वे कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। बैक कैमरा जो ऑन होने के बाद आप अपना यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके कर दीजिए। आपका वो जब आप डाटा ट्रांसफ़र करेंगे CSV फाइल, तो उसमें आप अपना आपका ये फ़ोटो आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए।